सो व्हाट्स अप गाइस, गाइस कल का मैच था पंत वर्सेस धोनी, गुरु वर्सेस चेला। तो भाई जैसा कि आपको पता है ऋषभ पंत धोनी को अपना गुरु मानते हैं, तो यहाँ पर पहला मैच उनका अपने गुरु के खिलाफ था। और भाई ऋषभ पंत इस बार कप्तानी करने जा रहे हैं दिल्ली की, और फुल टाइम कप्तान भी रह सकते हैं अगर सुरेश अय्यर की वापसी हो तो यहाँ पर उन्होंने कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन भी किया पिछले मैच में। दोस्तों कुछ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, स्टार्टिंग से मैच का रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। तो चेन्नई की शुरुआत दोस्तों कुछ खास नहीं रही, क्योंकि चेन्नई के दोनों ओपनर्स जल्दी पवेलियन की तरफ वापस चले गए। लेकिन उसके बाद धोनी ने मोइन अली को वन डाउन पर भेजा। तो मोइन अली को जिस काम के लिए वन डाउन पर धोनी ने भेजा था वो तो अपना काम पूरा कर गए, वो वहाँ पर 36 रन जल्दी से आगे बना गए। लेकिन उसके बाद आए भाई मिस्टर आईपीएल की वापसी हुई, और आपको पता भाई मिस्टर आईपीएल की वापसी हुई तो कुछ तो भाई अपनी वापसी में वो कुछ अपने फैंस को कुछ तो तोहफा देते, तो उन्हें तोहफा दिया। वो इतना शानदार खेले भाई, अगर वो रन आउट ना होते तो पता नहीं चेन्नई का स्कोर और ऊपर होता। तो यहाँ पर मिस्टर आईपीएल की अच्छी वापसी हुई थी। फिर भाई एंड में आके सैम करन और जडेजा ने कुछ अच्छे खासे शॉट्स लगाए और टीम का स्कोर 188 पर पहुँचाया। तो यहाँ पर भाई जो धोनी के फैंस हैं उन्हें थोड़ी निराशा मिली होगी, क्योंकि भाई धोनी आए और चले गए यार, जल्दी चले गए यानी डकपट चले गए। लेकिन मैं धोनी और धोनी के फैंस से एक ही बात बोलूँगा भाई, कीप काम एंड बिलीव ऑन एमएसबी। भाई एमएसबी कुछ भी कर सकते हैं, बस भरोसा रखो एमएसबी पर, कुछ भी करेंगे, रन भी बना के देंगे आपको और आपकी टीम को जिताएंगे। तो फिर अब शुरुआत करते हैं दिल्ली से। तो भाई यहाँ पर दिल्ली के लिए ओपनिंग के लिए आए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, और भाई क्या एक्सेप्शनल खेले शिखर और पृथ्वी। मतलब स्टार्टिंग से ही क्या बॉलर्स को पीटा है यार शिखर और पृथ्वी ने भाई। तो यहाँ पर हेल्पलेस लग रहे थे चेन्नई के बॉलर शिखर और पृथ्वी के आगे, भाई जिस दिशा में मारना चाह रहे हैं शॉट उस दिशा में मार रहे हैं। हालांकि हाँ चेन्नई के बॉलर से कुछ चूक हुई और फील्डिंग में भी चूक हुई, तो पृथ्वी के 2-3 कैच छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन भाई शिखर तो एक्सेप्शनल के लिए जहाँ शॉट मारना चाह रहे हैं वहाँ शॉट मार रहे हैं यार, किसी के रोक नहीं रुक रहे। तो मैच तो इन दोनों अकेले नहीं जिता दिया। और भाई यहाँ पर शिखर की भी बात करनी होगी यार, पिछली आईपीएल की फॉर्म को इस आईपीएल में भी जारी रखा और बताया कि मतलब यार वहीं से कैरी किया जहाँ से छोड़ा था पिछले साल। तो शिखर तो एक्सेप्शनल खेले और पृथ्वी भी एक्सेप्शनल खेले। पिछला सीजन बेकार जाने के बावजूद भाई उन पर बहुत सारे सवाल निशान उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया और बोला भाई मैं तो करूँगा, मैं रन बनाऊँगा, और रन बनाए खूब और तेज़ी से रन बनाए। तो यहाँ पर भाई पृथ्वी और शिखर से कोई शिकायत नहीं। फिर वहाँ पर आ गया बाद का काम पंत ने कर दिया, विनिंग चौका लगाया उन्होंने एंड में आगे। तो भाई यार मैं फिर एक और बार चेन्नई के फैन से बोलूँगा यार, कीप काम एंड बिलीव ऑन एमएसडी। और दिल्ली के फैंस तो यार तुम लोग यार खुशी रहो, क्योंकि तुम्हारी टीम ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।